लग गई। अरे ये क्या बॉल मेरे तरफ क्यों आ रही है? ये लो वरुण तुम्हारा बॉल। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा सुनो, मैं बहुत जरूरी काम से विश्रामपुर जा रहा हूँ। रुद्रा, तब तक तुम सबका ख्याल रखना। शाकाल की नजर 24 घंटे हम सब पर रहती है। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पैलेस को शाकाल सेंसर से कवर कर दिया है। शाकाल सेंसर? वो क्या है दादाजी? अगर शाकाल ने पैलेस के आसपास भी कदम रखा तो तुरंत उसके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ। ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला। जय सिंह ने बड़ा दांव है खेला। वाह दादाजी, आपने तो शाकाल की एंट्री पर परफेक्ट नो एंट्री का इंतजाम कर दिया है। दादाजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मेरे टैबलेट में जायंट बनने का मैजिक है। मैं जायंट बन के शाकाल को भगा दूंगा। लो बच्चों, नाश्ता करो। नहीं रंगीला, आपके मैजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। यस, मिल गया। अपने आप को जायंट कैसे बनाना है उसका मंत्र मिल गया। ये मैजिकल टैबलेट बड़ा ही कमाल का है। लिखा है जायंट बनने के लिए ये मंत्र पढ़ के रेज अपने ऊपर डालो। अब रेज अपने ऊपर कैसे डालू? यस, इस ट्रे में रेज फेंकूंगा तो रिबाउंड होके मुझ पर गिरेंगी। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो उलीटो जायंट क्रिएटो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो उलीटो जायंट क्रिएटो। कर भला तो हो भला, अब मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। इस टैबलेट के मंत्र भी किसी काम के नहीं। ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी घास हमारे गार्डन में कैसे आ गई? हम तो घिर चुके हैं। लगता है रंगीला ने कोई टेढ़ा मेढ़ा मैजिक किया होगा। उसी का असर है ये सब। ओह नो, घास बड़ी नहीं हुई, उल्टा हम लोग छोटे हो गए हैं। लगता है रंगीला ने जायंट बनाने की कोशिश की होगी और उसका मैजिक उल्टा होकर हम पर पड़ गया है। ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला। ये तो चमत्कार हो गया। शाकाल तो ये सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा। शाकाल, 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 उस रंगीला का जादू उल्टा पड़ गया है और रुद्रा, मायरा, वरुण चींटी जैसे बन गए हैं। क्या बात कर रहे हो सपोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शाकाल अब देखना, मैं उन तीनों को एक झटके में खा लूंगा और डकार भी नहीं मारूंगा। सपोला, उन तीनों को अपने मुंह में पकड़कर मेरे सामने लाओ, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। जाओ जल्दी जाओ। ओके शाकाल। करता हूँ, पहले तुम सब शांत तो रहो। इबाइस का नॉर्मल साइज क्रिएटो। इबाइस का रंगीला का मैजिक सीधा हो।
इबाइस का कर दे हमको पहले जैसा। रुद्रा, मुझे यहाँ आसपास से मेंढक की स्मेल आ रही है। ये हमें ऐसे क्यों घूर रहा है? क्योंकि तुम सब में उसको अपना आज का लंच दिख रहा है। क्या लंच दिख रहा है? भागो! मारो, पकड़े रहना, छोड़ो मत। अब मैं नहीं रुक सकती। अंतर मंतर जादू कलंतर टन का टीला छू। मायरा, थैंक यू। वरुण, बाहर आने की कोशिश करो। वरुण, घबराना नहीं, दादाजी की बात याद करो। हिम्मत हो तो हर मुश्किल से हम निकल सकते हैं। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, बस हिम्मत रखना। नहीं, अब मैं क्या करूं? यक, मुझे कितना गंदा कर दिया। ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला। लो, आगे कुआ पीछे खाई, हर तरफ से मुसीबत की घड़ी है आई। सपोला अंकल, हमें उनसे बचाइए। सपोला अंकल आ गए। अब हमें पकड़ के दिखाओ। हे नादान मेढक, खबरदार जो इनको हाथ भी लगाया तो। अच्छा, तो तुम मुझसे मेरा शिकार छीनोगे? अरे कोई इस मेढक को बताओ, सांप मेढक को खाते हैं, मेढक सांप को नहीं। अरे वरुण, संभल कर। मैं नहीं उड़ सकता, मेरे फ्लाइंग शूज गीले होने की वजह से खराब हो गए हैं। रुद्रा, मायरा, जरा देख कर चलो। सॉरी। सपोला बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था कि रुद्र और उसके दोस्तों को खा जाऊंगा और न जाने क्या के, पर खुद को एक मेंढक के चंगुल से नहीं छुड़ा पा रहा है। साकाल, उससे अच्छा तो आप मुझे ही भेज देते। वो तुम रुद्रा को खाने गए थे और खुद ही उन बच्चों को बचाने लगे। मैं क्या करता शाकाल, किसी ने पहली बार मुझे अंकल कहा तो मैं इमोशनल हो गया था। अपने इमोशन पर काबू रखो और रुद्रा और उसके दोस्तों को खाने के बारे में सोचो। अगली बार कोई तुम्हें अंकल, चाचा, मामा, ताऊ कुछ भी कहे, भावनाओं की नदी में बह मत जाना। समझ गए? समझ गया शाकार। वाह मायरा, तुम्हारी अंकल वाली चाल तो काम कर गई। सपोला खुद हमारी रक्षा करने लगा। कोई पहले मुझे तो साफ कराओ, मैं पता भी नहीं सकता कितना गंदा लग रहा है। रुको, हम कुछ करते हैं। थैंक यू जिमजुम, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया। जल्दी चलो, हमें कैसे भी पैलेस में पहुंचना है, हम वहीं सेफ रहेंगे। रुद्रा! मारा, वरुण, छोड़ो उन्हें।
रुक जाओ।